ପେସାରେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା। ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ସେଠୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ନିଶାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉମେଶ ଯାଦବ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେଁ ଆପକା ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଇଏ ଯୋ ଦେଖ ରହେ ହେଁ, ଇଏ ଯୋ ଗାଡ଼ି ହେ ୟହାଁ ଫିର କୁଛ ଅଲଗ ହି ଦିଖ ରହା ହେ, ଲୋଗୋ କେ ଲିଏ କୁଛ ଅଲଗ ହି ମେସେଜ ହେ। ଅଗର ଦେଖା ଯାଏ ତ ଆପ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହେ, ଫିର କୁଛ ମତଲବ ଯୋ ବୋଲତେ ହେ ନା, कुछ अलग करने का जुनून है। ये जो मिट्टी कलेक्ट करना शहीदों का, ये क्यों मन में क्यों आया, कहाँ कहाँ घूमे हैं? वैसे उड़ीसा में आप कहाँ कहाँ पे गए थे और कितने स्टेट आप अभी तक कवर चुके हैं? जय हिंद जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ यादव है और एक नमस्कार भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा का कैपिटल है, सभी को एक नमन है। और मेरा एक सौभाग्य है कि हमारे उड़ीसा के जो पुलवामा के दो जो CRPF शहीद थे, उनके मैं घर पे गया हूँ। और अब तक मैंने 28 राज्यों, 8 संघ राज्य क्षेत्र और 1,17,000 किलोमीटर में इसी गाड़ी से ट्रैवल किया है। उस गाड़ी में जो शहीदों के घर की मिट्टी है और एक रिस्पेक्ट था, और ये जो पुलवामा जो मेमोरियल बना है, उस दिन मैंने ये कोट पहना था। और आप अगर ये जो फॉर्मेशन साइन देख रहे हो, तो ये एक रिस्पेक्ट है। फर्स्ट टाइम द आर्मी हैज़ गिवन टू अ सिविलियन। मैं कोई फौजी नहीं हूँ, ना मेरा कोई परिवार शहीद परिवार है, लेकिन मुझे लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। और इस मिट्टी से हमारा एक कल्चर, हमारा एक भारतीय होने का एक दायित्व होता है, तो वो मैंने कलेक्ट किया है। और इस गाड़ी में सब शहीदों के घर की मिट्टी है। सर, आप जैसे बोल रहे हैं कि शहीदों के घर के मिट्टी हैं, ये जैसे मन में बोलते हैं ना आप, जैसे अगर देखा जाए तो आप म्यूजिशियन हैं, मन में वैसे कहाँ आया कि किस क्यों आया? जैसे अगर देखा जाए तो लोगों के मन में ये सब नहीं आता, इनोवेटिव ये जो आइडिया है क्यों आया? और शहीदों, कितने शहीद के परिवार आप जो है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट कवर किए? आप अगर देखेंगे तो मेरा ट्रैवल का जो उद्देश्य था, वो था जन्मभूमि कर्मभूमि, भारत के मिट्टी का सम्मान। तो जो भी हमारे सैनिक होते हैं, वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के अपनी कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए वो सैक्रिफाइस करते। तो जब वो भूमि था, तो मुझे लगा कि मैं उनके घर पे जाऊंगा, वो मातृभूमि को इकट्ठा करूंगा और उस मातृभूमि से एक भारत का नक्शा एज अ वॉर मेमोरियल बनाया जाए। और इस गाड़ी में अब तक 145 शहीद परिवार के घर की मिट्टी है। आप थोड़ा मिट्टी दिखा सकते हैं वैसे? ये जो मिट्टी है, ये बोलना चाहता हूँ कि उनके उनके घरवार ने, वीर परिवार ने, उनके बच्चों ने, माता जी ने, पिताजी ने, उनके वाइफ ने ये मिट्टी दी है। और जहाँ पर उनका जन्म हुआ है और जहाँ पर उनका अंत संस्कार हुआ है, वहाँ की घर की मिट्टी इसमें है। आप अगर ये देखेंगे तो ये पूरी गाड़ी जो है, वो पूरी शहीदों की मिट्टी से, उनके फोटोग्राफ्स और उनके बिलोंगिंग्स इसमें है। ताले देखो तो ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଗାଡ଼ିଠି କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ପତାକା କରାଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମେସେଜ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ରହିଛି, ଏଠି ସବୁ ଶହୀଦ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ପରିବାର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶହୀଦମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଟି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ପେ ଆପ କାହା କାହା ପେ ଗଏ ଥେ, କିସ କିସ କେ ପାସ ଗଏ ଥେ, ଔର क्या वैसे वहाँ से कैसे रेस्पॉन्स मिला आप? मैं उड़ीसा में प्रसन्न कुमार साहू, जो पीके साहू, और मनोज बेहरा, जो बहरामपुर के पास में है, मैं उनके घर पे गया था, वहाँ से मिट्टी लिया। और जब वो मिट्टी से वो स्मारक बना, तो एक उनको परिवार के प्रति एक साल के बाद में ये लगा कि हमारे बच्चों का जो नाम है, वो गोल्डन लेटर्स में अभी भी पुलवामा में लिखा हुआ है। और इट इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर द उड़ीसा दैट द टू मार्टर्स हैव गिवन द सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। सर, अगर देखा जाए, लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे इसको? मैं यहाँ से अभी दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली में ये मेरा मिशन स्टॉप, वहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर्स, CRPF हेडक्वार्टर्स को ये मैं मिट्टी सपोर्ट करूँगा। और जैसे हम रंगोली बनाते हैं, वैसे इन मिट्टी से एक भारत का नक्शा बनाया जाए एज अ वॉर मेमोरियल। और ये रिस्पेक्ट शायद से पहले होगा कि सभी पुलिस डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी के मार्टियर्स के सॉइल से एक मेमोरियल बनेगा। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ
ए गोटे नियारा उदाहरण सृष्टि करिसेंती रमेश नियारा उदाहरण सृष्टि करिसेंती सारा भारत रे जेती की जण शहीद रही सबु शहीद परिवार जन्मभूमि को जाइचंती से माटी संग्रह करिसेंती माटी रे खूब शीघ्र दिल्ली रे एक जो रही भारतर मानचित्र होबा को जाउची देखुतले भुवनेश्वर सीधा सड़क चित्र किभली भाव से भुवनेश्वर में पहुँची एठी अनेक जो ऑर्गेनाइजेशन रही सम्मानित करिसेंती तबे ए जो गोटे काम करिसेंती से जो गाड़ी गाड़ी को भी देखिले एठो जना पड़ी जाउची कि भाव में गाड़ी को चित्रण करा जाइची एवं सबु जगार देशभक्ति देखा मिली सबु जगार जहाँ रही गाड़ी को संपूर्ण भाव में चित्रण करेक किलोमीटर से जरा भरुँचा आतरा गोटे दिन नुह ए जरा पखापाखी तीन रु चार बर्षर आब शीघ्र दिल्ली में ये जो मटी सबू एठ जा सारा भारत शहीद परिवार जन्मभूमि जो जो मटी जा खूब शीघ्र सेठे भारत एक मानचित्र होगा जाऊँगी भुवनेश्वर कैमरा पर्सन टुना मंडल सहित सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज।